आज मैं बैंगन की सूखी सब्जी बनाने जा रही हूँ, जिसे आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी है, तो बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए एक पैन या फिर एक कढ़ाई में 2 टेबल स्पून के करीब सरसों का ऑयल लेंगे। सरसों के ऑयल में बैंगन की सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहे तो कोई भी ऑयल ले सकते हैं। गैस का फ्लेम हाई पर रखकर ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करना है। इतना गर्म करना है कि इसमें से धुआं निकलने लगे। धुआं के निकल जाने के बाद इसमें 2 टीस्पून के करीब बारीक कटा हुआ लहसुन को ऐड करें, साथ में आधा छोटा चम्मच 5 फ़ोरन ऐड करें। 5 फ़ोरन को हमने यहाँ पर कलौंजी, काली राई, जीरा, सौंफ, मेथी दाना और अजवाइन को मिक्स करके बनाया है। 5 फ़ोरन से बैंगन की सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। साथ में यहाँ पर 2 सूखी लाल मिर्च भी ऐड करना है। गैस का फ्लेम मीडियम पर रखकर इसे 1 मिनट तक भून लेना है। एक मिनट भून लेने के बाद इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक टुकड़ों में काटकर ऐड करें। अब गैस का फ्लेम मीडियम पर रखकर इसे 3 से 4 मिनट प्याज को अच्छी तरह से भून लेना है। अगर आपको थोड़ा सा तीखा पसंद है तो यहाँ पे 2 हरी मिर्च को बारीक टुकड़ों में भी काट कर ऐड करें। तीन मिनट हमने प्याज को अच्छी तरह से भून लिया है और इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है। उसके बाद 400 ग्राम बैंगन को हमने पहले ही कट करके उसे पानी में डिप करके रखा था, वो यहाँ पर पानी हटाकर इसमें ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम पर रखकर इसे 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से भून लेना है। तीन से चार मिनट बैगन को मीडियम फ्लेम पर भून लेने के बाद इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को बारीक टुकड़ों में काटकर ऐड करें। साथ में इसमें थोड़े से मसाला भी ऐड करेंगे, स्वाद के अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/3 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच गर्म मसाला पाउडर डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब इसे मसाले के साथ 1 मिनट और भून लेना है। गैस का फ्लेम मीडियम पर रखना है। अगर आप बैंगन थोड़ा सा चटपटा खाना पसंद करते हैं तो इसमें आधा छोटा चम्मच के करीब चाट मसाला पाउडर भी ऐड करें। इससे इस सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसका ढक्कन लगाकर अब इसे हमें 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर रखकर पकने देना है और बीच बीच में इसका ढक्कन हटाकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, जिससे कि पैन में सब्जी स्टिक ना हो। 3 से 4 मिनट इसे लो फ्लेम पर पका लेने के बाद इसका ढक्कन हटा दें। बैंगन भी अच्छी तरह से पक चुका है। अभी गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और इसे प्लेट में निकाल लेंगे। ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया से गार्निश करके इसे सर्व करें।
इसे आप रोटी पराठा या फिर दाल चावल के साथ सर्व करें। इसे आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बैंगन की इस सिंपल और टेस्टी रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई करें, ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।